नमस्कार दोस्तों, हम बनाएंगे गाजर का हलवा। हमने लिया है 1.5 किलो गाजर है, ये दूध है फुल क्रीम, 2 लीटर दूध लिया था हमने फुल क्रीम अमूल का। ये गाजर डालेंगे हम इसमें, ये कद्दूकस कर लिया है हमने, दूध हमारा उबल गया है, दूध को हम कर ऊपर से डाल देंगे इनमें गाजर में। हम इसको धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे मीडियम पे। गैस को हम फुल फ्लेम पे कर लेंगे क्योंकि गाजर हमारी ठंडी थी। गाजर के साथ इसमें उबाल आने देंगे हम। गाजर का हलवा ऐसे ही बनाते हैं हम, दूध में ही डालें गाजर को तभी अच्छा स्वाद आता है। दूध ने हमारे में गाजर और दूध ने हमारे उबाल आ गया है। अब इसको हम चलाते हुए धीरे धीरे भूनेंगे, तब तक चलाना है जब तक इसका अच्छे से खोआ नहीं बन जाता। दोनों गाजर और दूध को चलाते हुए ही भूनना है हमें। काफी हमारा भून गया है दूध भी, अभी और टाइम लगेगा इसमें, 10 मिनट कम से कम अभी और लगेगी इसमें, अभी भूनने में टाइम है इसमें। हम 10 मिनट से चला रहे हैं इसको, अब इतना हमारा भून के तैयार हुआ है इतनी देर में। अभी धीरे धीरे चलाते रहे, गैस मीडियम रखें, अभी 20 मिनट और लगेंगे इसमें बनने में। हलवा हमारा बनके तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, हमने 1 कटोरी चीनी ली थी इसके लिए, कुछ चलाते हुए भूनना है हमें।
हलवा हमारा बनके तैयार है। अब डालेंगे हम इसमें ये घी लिया है हमने, इसको चलाते हुए मिला लेना है इसमें हमें। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, ये थोड़े ड्राई फ्रूट हैं, काजू हैं, कुछ थोड़े बादाम हैं। अब हम हलवा को प्लेट में निकाल लेंगे फैलाते हुए। हमारा हलवा तैयार है, हमने ये ऊपर थोड़ा गार्निश के लिए लगा दिया है।